दोस्तों, क्या सलमान भाईजान की इस फिल्म में सलमान भाईजान काफ़ी रोमांटिक अंदाज में नजर आएंगे? क्या दिशा पाटनी सलमान भाईजान के पीछे हाथ धो के पड़ने वाली हैं? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज़। जी हाँ, बता दें कि जहां इस फिल्म के काफ़ी कुछ सीन को लेकर, जैसे कि गौतम गुलाटी और सलमान भाईजान के बीच जो फाइट सिक्वेंस और एक दूसरे के बीच जो इंट्रैक्शन होती है उस सीन को लेकर जितना बड़ा खुलासा हुआ है, वहीं दोस्तों इस फिल्म के काफ़ी कुछ सीन को लेकर और भी ज़्यादा खुलासा होता जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक। जी हाँ, बता दें कि सलमान भाईजान की ये जो फिल्म आ रही है वो साल 2020 की उनकी सबसे बड़ी प्रोजेक्ट होने वाली है, क्योंकि बता दें कि सलमान भाईजान की ये फिल्म कई सारी फिल्मों से टकराने वाली है, जैसे कि लक्ष्मी बॉर्न और उसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस 9। ये सारी फिल्में एक साथ क्लैश करेगी राधे मूवी के साथ। वहीं दोस्तों, प्रभुदेवा सर ने भी इस फिल्म के डायरेक्शन के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा है और इसकी दिन रात शूटिंग हो रही है और इस अलग अलग शेड्यूल में की जा रही है और हर एक सीन को 3 या 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है। और अगर बात कर ली जाए तो एक दिन में 3-3, 4-4 लोकेशंस पर शूट हो रहे हैं। वहीं दोस्तों, सलमान भाईजान का इसमें चार्मिंग लुक नज़र आने वाला है, जी हाँ, काफ़ी रोमांटिक अंदाज में नज़र आएंगे और वहीं दिशा पाटनी इनके हाथ धो के पीछे पड़ने वाली है। जी हाँ, बता दें कि सलमान भाईजान इस फिल्म की स्टोरी कॉन्सेप्ट में जहाँ लव से भागते फिरेंगे, वहीं दोस्तों लव जो है इनके हाथ धो के पीछे पड़ने वाली है। जी हाँ, दिशा पाटनी जो है इनके साथ हाथ धो के पीछे पड़ने वाली है। वहीं दोस्तों, सलमान भाईजान इस फिल्म की स्टोरी कॉन्सेप्ट में दिशा पाटनी से वो भागते फिरेंगे, लेकिन दिशा पाटनी अब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। इस तरह का स्टोरी कॉन्सेप्ट सोर्सेस के मुताबिक अभी तक सामने आ रही है, लेकिन दोस्तों अभी आखिर क्या सीन होने वाला है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, सलमान भाईजान का इसमें चार्मिंग लुक नज़र आने वाला है। वहीं दोस्तों, इसमें विलन भी काफ़ी खतरनाक हैं और साथ ही दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग भी जोरों शोरों से हो रही है और आखिरी शेड्यूल बाहरी मुल्कों में शूट किया जाने वाला है। जी हाँ, बता दें कि इसकी जो शूटिंग है अब कुछ पहाड़ों की सीन्स आने वाली हैं जो कि ओवरसीज में शूट होंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस फिल्म को लेकर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस फिल्म से, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और साथ ही सलमान भाईजान के चार्मिंग लुक और रोमांटिक सीन्स को देखने के लिए कितने बेकरार हैं वो भी कमेंट्स में जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसे मेरे पास आई कोई भी रिपोर्ट आती है तो मैं आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।